नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दीपावली करीब है और उल्लुओं के शैतान सौदागर एक्टिव हो गए हैं। उल्लू की तंत्र साधना, दावा किया जाता है कि परेशानी कैसे भी हो, बिजनेस में घाटा हो, सेहत खराब हो, संतान प्राप्ति हो या फिर प्यार की चाहत ही क्यों ना हो, काला जादू करने वालों के मुताबिक उल्लू हर मर्ज की दवा है। यहां तक कि प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए भी उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू के सिर से लेकर पांव तक हर अंग, यहां तक कि खून का भी तंत्र में अहम इस्तेमाल होता है। तंत्र विद्या में उल्लू को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। उल्लू को पक्षियों का राजा कहा जाता है। उल्लू तंत्र करने के लिए वीरान जगह का इस्तेमाल होता है, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या सच में उल्लू की बलि से तंत्र साधना संपन्न होती है या फिर अंधविश्वास को बल मिलता है। आने वाली है दिवाली की रात, लेकिन इसी रात खेला जाएगा अंधविश्वास का काला खेल। दिवाली पर लौटे उल्लू वाले शैतान। हाँ, कोई तांत्रिक वांत्रिक जैसे कैब में आते हैं तो हम मना कर देते हैं, भैया हमारे पे है ही नहीं, हमारे पे ये है जो है ले लो, तोता है, चिड़िया है। हम इंसानों के लिए दिवाली बेशक उजाला लेकर आती है, लेकिन यही दिवाली उल्लू की जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा है। दिल्ली अमावस्या की रात पड़ती है। मनचाहा प्रेम पाने की चाहत, बेशुमार दौलत की ख्वाहिश, दुश्मन से छुटकारा या फिर नौकरी में तरक्की, इन सभी का तंत्र विद्या में एक ही समाधान बताया गया है। पाखंड के पुजारी दिवाली को इन सभी मनोकामनाओं की रात मानते हैं और इसी तंत्र साधना में दी जाती है उल्लुओं की बलि। ये धरती को सजाने वाला दल, धरती जिस दिन दुल्हन बनती है, ये वो पर्व है। वाकई में श्रृंगार पर्व कहते हैं, लक्ष्मी पर्व कहते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और दुर्लभ है। संपूर्ण धरती पर उस दिन जिस प्रकार की वाइब्रेशन होती है, जिस प्रकार का एक प्रभाव होता है, वो लक्ष्मी को प्रभावित करने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला दिवस है। इस दिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में संपन्नता को प्राप्त करूं, तो वो संपन्नता के लिए वो तंत्र मंत्र षड्यंत्र हर प्रकार की विधि के द्वारा अपने आप को संपन्न करना चाहता है। और ये वाकई में अपने आप में एक अद्भुत दिवस है। अंधविश्वास, जादू टोना, काला जादू, ये वो शब्द हैं जो आज भी समाज में जिंदा है। न जाने कितने लोग इस अंधविश्वास के अंधे कुएं में कूद जाते हैं और उसके बाद इनके पास नहीं होता कोई रास्ता, क्योंकि तंत्र मंत्र का ये माया जाल सिर्फ अंधेरी गलियों में ले जाता है, जहाँ जाना तो मुमकिन है लेकिन लौटना लगभग नामुमकिन। दीपावली के समय पर उल्लू की मांग इसलिए बढ़ती है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, तो उल्लू वाहिनी जो लक्ष्मी है उनकी पूजा के लिए, उनसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये लोग उल्लू का पूजन करते हैं, तंत्रोपासना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सनातनी हैं और सनातनियों को सनातन वैदिक परंपरा के साथ ही लक्ष्मी गणेश के साथ पूजन करना चाहिए। जिस अंधविश्वास की हम बात कर रहे हैं, दिवाली पर उस तंत्र साधना को उल्लुओं की बलि से पूरा किया जाता है। माँ लक्ष्मी की सवारी की बलि देकर बेशुमार दौलत पाने की ख्वाहिश महज अंधविश्वास नहीं तो क्या है? जब माँ लक्ष्मी की सवारी का वध करके उन्हीं से दौलत की कामना की जाए, अगर जिंदा उल्लू मिल जाए तो उसको विशेष रूप में उसका वंदन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है, विशेष स्तोत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा, विशेष पूजन से उल्लू की पूजा की जाती है। लेकिन संभव नहीं है हर व्यक्ति को उल्लू मिलना,
तो उस दिन कुछ लोग इसको व्यापार के रूप में कर देते हैं, उल्लू मरा हुआ उल्लू लाते हैं, किसी को पंख हाथ लगते हैं, किसी को चोंच हाथ लगती है, उल्लू का अंग अंग दीपावली के दिन बिकता है। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जिस अंधविश्वास की बात हो रही है उसका सबसे बड़ा असर उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में उल्लू समेत दूसरे जंगली जानवरों के शिकार की आशंका ने वन विभाग की परेशानी पर बल डाल दिया है। संरक्षित श्रेणी में आने वाले उल्लुओं की जान दीपावली के दौरान सांसत में रहती है। यही वजह है कि उत्तराखंड के जंगली इलाकों में विशेष गश्त के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। उल्लुओं से जुड़ी हुई बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे मिथक हैं, जिसके कारण लोगों को ये लगता है कि उल्लू के माध्यम से कोई तंत्र मंत्र किया जाए या कुछ और किया जाए तो उससे लोगों को लाभ होगा, पैसे आएंगे। जो अभी त्योहारों का एक पक्ष चल रहा है इसमें ये संभावना रहती है कि उनका शिकार किया जाए। इसको देखते हुए हमने पूरे प्रदेश में जितने भी वनाधिकारी हैं उनको इसके बारे में अलर्ट जारी किया है। अंधविश्वास के चलते दिवाली के दरमियान उल्लू का शिकार किया जाता है, इस लिहाज से देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार जैसे क्षेत्र अधिक संवेदनशील हैं, जबकि यूपी के भी तमाम इलाकों में उल्लू के शिकार का खतरा बना रहता है। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। अंधविश्वास है कि दीपावली पर उल्लू की पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, यानी कि धन की वर्षा होती है। इस दिन तांत्रिक उल्लू की मौजूदगी में विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं और यही अंधविश्वास उल्लुओं पर हर साल भारी साबित होता है। हर साल इस फेस्टिव सीजन में उल्लुओं की जान पर बनाती है। यही कारण है कि वन विभाग ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। विश्व भर की संस्कृतियों के लोकाचार में उल्लू पक्षी को भले ही अशुभ माना जाता हो मगर ये संपन्नता का प्रतीक भी है। यूनानी मान्यता में इसका संबंध काला और कौशल की देवी एथना से माना गया है, जो जापान में इसे देवताओं के संदेश वाहक के रूप में मान्यता मिली है। भारत में हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन है, यही मान्यता इसकी दुश्मन बन गई है। दीपावली पर उल्लू की तस्करी बढ़ जाती है। दीपावली की रात उल्लू की बलि देने के तमाम मामले सामने आते रहते हैं, जबकि ये कोरे अंधविश्वास के सिवा और कुछ भी नहीं है। खबरदार, सावधान रहें, उल्लू की बलि नहीं, उल्लू की होती है पूजा, क्योंकि उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, माँ लक्ष्मी को उल्लू बहुत प्रिय है। इसलिए कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र करते हैं, उल्लू को मार करके उसके अंगों को बेचते हैं। ऐसे लोग रहे सावधान, खबरदार, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कहीं लक्ष्मी रूठ न जाए, परिवार टूट न जाए। इसलिए लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो इस प्रकार का तंत्र षड्यंत्र न करें, लक्ष्मी के लिए उल्लू को प्रसन्न करें। उत्तराखंड में दीपावली के दौरान उल्लू पकड़ने और उनके शिकार की घटनाएं सामने आती रही है। शिकार और तस्कर कॉर्बेट राजाजी रिजर्व सहित आसपास के जंगलों में घुसकर तस्करी को अंजाम देते हैं। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को लेकर उल्लू के शिकार की आशंका भर से वन विभाग चौकन्ना हो जाता है और राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ये अवैध है, कृपया ऐसे व्यक्तियों के प्रलोभन में न आए जो आपको उल्लुओं के अंगों के माध्यम से कोई क्षणिक लाभ के बारे में जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये अवैध है और इससे कठिनाई हो सकती है। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है और वो जंगल में ही अच्छा लगता है, वो स्वतंत्र अच्छा लगता है। तो अगर कोई ऐसी जानकारी हो तो कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर इसकी जानकारी दें। इन्फॉर्मेशन को इसके बारे में कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं कि इस पूरे त्योहारों के पक्ष में विशेष रूप से निगरानी रखें कि उल्लुओं का कोई भी अवैध शिकार न होने पाए। परेशानी कैसी भी हो, बिजनेस में घाटा हो, सेहत खराब हो, संतान प्राप्ति हो या प्यार की चाहत हो, काला जादू करने वालों के मुताबिक उल्लू हर मर्ज की दवा है।
यहाँ तक कि प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए भी उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू के सिर से लेकर पांव तक हर अंग, यहाँ तक कि खून का भी तंत्र में अहम इस्तेमाल होता है। तंत्र विद्या में उल्लू को बेहद ही शक्तिशाली माना गया है। उल्लू को पक्षियों का राजा भी कहा गया है। उल्लू तंत्र करने के लिए वीरान जगह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल एक ही है, क्या सच में उल्लू की बलि से तंत्र साधना संपन्न होती है या अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है? हर व्यक्ति चाहता था, उस समय देवता लोग चाहते थे कि लक्ष्मी हमको वरण करे, आज मनुष्य चाहते हैं कि लक्ष्मी हमको वरण करे। तो उस समय तो देवी के रूप में था, आज धन के रूप में है, पैसे के रूप में। हर व्यक्ति चाहता है तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके लक्ष्मी को हम प्राप्त करें, धन को हम प्राप्त करें। इसके लिए एक विशेष प्रयोजन, विशेष प्रकार की विधि, विशेष प्रकार का पूजन किया जाता है। और वो पूजन कुछ इस प्रकार का है कि उस दिन जो काला धन कहते हैं जिसको, जैसे उस दिन जुआ लोग खेलते हैं, इस प्रकार का कई प्रकार की पूजा की विधि है। तो उसमें विशेष पूजा जो है वो उल्लू की पूजा की जाती है। दुनिया भर में उल्लू की 216 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 32 भारत में मिलती हैं, जबकि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ उल्लू की 19 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान ही इकलौता देश है जहाँ अंधविश्वास के चलते उल्लू की बलि दी जाती है, और इसके लिए लोग तस्करों से मुंह मांगी कीमत पर उल्लू खरीदते हैं। लेकिन जिस ख्वाहिश में उल्लू की बलि दी जाती है, जरा सोचिए क्या सच में माँ लक्ष्मी के वाहन की बलि देने पर वो खुश होंगी? अथर्ववेद में एक उलूक तंत्र के नाम से अलग ही भाग है, उलूक तंत्र। उसमें उल्लू की ही विशेषताएं हैं, साधनाएं हैं। कहीं कहीं अथर्ववेद में भी एक आया जो उलूक साधना है, उलूक तंत्र है। उस उलूक तंत्र में ये वर्णन आया है कि जो लोग रात्रि में उल्लू पर बैठकर और उस पर लक्ष्मी के मंत्र को जपते हैं, उनके यहाँ अक्षय लक्ष्मी प्राप्त होती है ऐसा। लेकिन प्रायः ये प्रशस्त नहीं है, और वो जो लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठकर, वो हमारी बुद्धि का भ्रंश कर देती है, बुद्धि को भ्रष्ट करती है। जिस परिंदी की खरीद फरोख्त को लेकर नियम बहुत सख्त है, दिवाली पर उसकी खुलेआम तस्करी हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा ना होने पाए, किसी बेजुबान की जान ना जाने पाए, इसको लेकर खासा सावधानी बरती जा रही है। महान पंडित और तांत्रिक भी यही कहते हैं कि उल्लू की बलि देना महज अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी केवल उल्लू पे आमे पर ऐसो ना आए। उल्लू अविवेक का प्रतीक है। हम लोग यो कहते हैं कि उल्लू की दीपावली पे मांग बढ़ जाए, लेकिन यदि विवेकी व्यक्ति है तो वो गरुड़ की मांग भी बढ़ा सके। गरुड़ पे बैठ के जब लक्ष्मी आएगी तो विवेक लेके आवे। ये जो वाम मार्गी हैं या जो तंत्र साधक हैं, वह उल्लू को सिद्ध करके अलग अलग कामनाते वाके नख है, रोम है, पंख है, खून है, अस्थि है, उनकी अलग अलग से वाको हम लोगों को ज्ञान नहीं है। उल्लू से जुड़ा ये अंधविश्वास तांत्रिक और तस्करों के लिए काली कमाई का जरिया बन चुका है। अमावस्या के अनुष्ठान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ लोग इस बेजुबान की जान का सौदा कर रहे हैं और अपनी जेबें भी भर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि ऐसे किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे और विलुप्त होते उल्लू की बलि देने के बजाय उन्हें संरक्षित करने में देश की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबर अयोध्या से, जहां सातवें दिन